अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में। पार्ट टू लेक्चर का, इसका पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर डेटा टाइप्स के ऊपर खाली, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉडुलस का ऑपरेटर क्या काम करता है। लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास एक डेटा टाइप इंट में है और हम कहते हैं नम वन इक्वल्स टू 5, और दूसरी डेटा टाइप हमारे पास फ्लोट में है और हम कहते हैं जी नम टू इक्वल्स टू 2.5। सो अब क्या होगा, हम उसी तरीके से इसके ऊपर दोनों के ऊपर प्लस और माइनस अप्लाई करेंगे और रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे। लेट से हम कहते हैं नम वन प्लस नम टू, जो भी आपका रिजल्ट आएगा। अब प्रीवियसली भी मैंने डिस्कस किया था और फिर बताता चलूं कि जब भी आपके पास डिवीजन होगी तो रिजल्ट आपका कुछ ना कुछ यूं आएगा। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5 प्लस 2.5 7.5 आना चाहिए आपके पास रिजल्ट, सॉरी 7.5 आना चाहिए। इसी तरीके से हम अगर माइनस करेंगे नम वन माइनस नम टू तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 5 माइनस 2.5, आंसर आपका 2.5 आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं नम वन मल्टीप्लाई बाय नम टू तो आपका जो रिजल्ट बनना चाहिए वो गालबन बनना चाहिए 12.5 के करीब रिजल्ट बनेगा आपका। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि जो भी हम डाटा की बात कर रहे हैं ना, हमेशा पॉइंट्स में डाटा आ रहा है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एक हमारे पास डाटा टाइप ऐसी है जो कि इंट में है और दूसरी डाटा टाइप हमारे पास कौन सी है, नम टू, जो कि फ्लोट में है। अब एक भी डाटा टाइप आपकी इस तरीके से हो, जिस तरह लास्ट बात में हमने की थी, हम आपका डाटा हमेशा हायर डाटा टाइप के अंदर, और इंट और नम फ्लोट में से, इंट और फ्लोट में से किस में कैपेसिटी ज्यादा है डाटा स्टोर करने की, फ्लोट। फ्लोट ऑब्वियस बात है पॉइंट के नंबर्स को डील करता है जबकि इंट उसको स्किप कर जाता है, इंट में नहीं स्टोर हो सकते, तो आपका रिजल्ट पॉइंट्स में जाता है। अभी हम ये नहीं देखते कि हम इसको जब स्टोर करेंगे, अब हम असाइनमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं अच्छा ये स्टेटमेंट अगर कंप्यूट होगी तो रिजल्ट किस में आएगा, ये स्टेटमेंट अगर होगी तो रिजल्ट किस में आएगा, ये स्टेटमेंट अगर होगी तो रिजल्ट किस में आएगा। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं नम वन डिवाइडेड बाय नम टू, अच्छा अगर ये स्टेटमेंट होगी तो फिर रिजल्ट आपका किस में कंप्यूट होगा। अब अगर हम कहें नम वन रिमाइंडर नम टू, आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर वाली बात अगर आपने देखा है तो आपको याद होगी, लास्ट लेक्चर में हमने डिसाइड किया, बोला था, ये बात कही थी कि जो मॉडुलस का ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर का ऑपरेटर है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के ऊपर ही अप्लाई होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एरर जनरेट कर रहा है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो सिंपल अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर जो भी ये वैल्यू कंप्यूट करेगा, यहाँ पे नम वन प्लस नम टू, नम वन में क्या पड़ा हुआ है 5, नम टू में क्या पड़ा हुआ है 2.5, तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, आपका रिजल्ट आएगा 7.5। तो हम कहते हैं ये हमारे पास मेमोरी नम वन के लिए हो गई और ये हम कहते हैं ये हमारे पास ब्लॉक हो गया नम टू के लिए। नम टू के लिए हमारा ब्लॉक हो गया, हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई ना कोई डाटा रख सकते हैं, उस डाटा को हम देखते हैं, हम कहते हैं ये जो हमारा ब्लॉक था ये था नम वन, ये हमारा ब्लॉक था नम टू के अगेंस्ट। तो अगर हम इस ब्लॉक को कहते हैं ये हमारा ब्लॉक हो गया नम टू, पर दोनों जो ब्लॉक्स हैं इनकी टाइप डिफरेंट, यानी ये दोनों मेमोरीज हैं इनकी टाइप डिफरेंट है, एक आपके पास नम वन जो इंटीजर फॉर्म में है और दूसरा आपके पास नम टू जो के फ्लोट फॉर्म में है, फ्लोट टाइप में। अच्छा यहां पे हमारे पास जो डाटा है नम वन में वो क्या है जी, नम वन में हमारे पास पड़ा हुआ था 5 और हमारे पास जो नम टू में पड़ा हुआ है वो डाटा क्या होगा, वो डाटा है हमारे पास 2.5। अब एडिशन 5 प्लस 2.5 सिंपल 7.5, 5 माइनस 2.5 सिंपल 2.5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सिंपल 12.5, नम वन डिवाइडेड बाय 2.5 इट्स सिंपल, सो सिंपल 2.5 इंटू 2, यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो 2 आएगा, 2.0। अब दो डिफरेंट चीजें हैं, अभी मैंने असाइनमेंट की बात नहीं की, हम दो वेरिएबल्स लिखते हैं, हम कहते हैं एक वेरिएबल है रिजल्ट वन जो कि इंटीजर टाइप में है और दूसरा वेरिएबल है जो कि जिसको हम कह रहे हैं रिजल्ट टू जिसकी टाइप फ्लोट है। इसका मतलब हमें दो मेमोरीज मिल जाएंगी,
अब अगर मैं दो मेमोरीज की बात कर रहा हूं तो फिर उसी तरीके से आपको एक मेमोरी मिलेगी इंट में, दूसरी जो आपको मेमोरी मिलेगी वो मिलेगी फ्लोट में, फ्लोट टाइप के लिए, और एक मेमोरी का आपके पास नाम होगा रिजल्ट वन, और दूसरी जो मेमोरी है जो आपने डिक्लेयर की है उस मेमोरी का आपके पास नाम होगा रिजल्ट टू। ठीक हो गया जी। बेसिकली अभी तक इसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और दो डिफरेंट रिजल्ट देखेंगे कि हमारे पास दो डिफरेंट रिजल्ट होंगे। कॉपी पेस्ट, सेम इसी तरीके से कॉपी पेस्ट, अच्छा जी। अब हम ये ही डेटा अगर रिजल्ट वन में स्टोर करेंगे और सेम यही डाटा अगर हम इसी का रिजल्ट हम रिजल्ट टू में स्टोर करेंगे, रिजल्ट वन में, और यही डाटा अगर हम रिजल्ट टू में स्टोर करते हैं, फिर यही डाटा अगर हम रिजल्ट वन में, फिर रिजल्ट। अब देखिए स्टेटमेंट सेम है, एक दफा मैं उसको किसी इंटीजर वैल्यू का साइन कर रहा हूं और दूसरी दफा मैं उसको किसी फ्लोट वैल्यू का साइन कर रहा हूं, तो दोनों में रिजल्ट आपका जरा डिफरेंट आएगा। अच्छा जी, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई 7.5 आपका रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस मेमोरी ने तो हमें 7.5 सॉरी मेमोरी कह रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन ने तो हमें 7.5 रिजल्ट जनरेट करके दे दिया, क्या इंटीजर में 7.5 स्टोर हो सकता है? 7.5 जो रिजल्ट आता है क्या वो रिजल्ट वन में स्टोर हो सकता है? रिजल्ट वन की टाइप इंट है, वो इसको स्टोर नहीं कर पाएगा। अब कंपाइलर इसको इम्प्लिसिटली 7.5 को कास्ट करेगा, किस में कास्ट करेगा, या अगर मैं यूं कहूं कि कंपाइलर 7.5 को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब जब 7.5 को कन्वर्ट करेगा तो ये जहन में रखिएगा पॉइंट के बाद वाला डाटा खत्म और जो आपका इंटीजर पार्ट है 7 उसको रिटेन करेगा, यानी इस जो ब्लॉक में आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कौन सी आएगी, ये रिजल्ट वन के ब्लॉक में यहाँ पे 7 आएगा। और दूसरे केस में रिजल्ट आपका क्या बना था, 5 + 2.5 = 7.5, 7.5 क्या रिजल्ट टू में कैपेसिटी है? रिजल्ट टू भी फ्लोट टाइप का, तो फ्लोट फ्लोट को इजीली असाइन हो सकता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपके पास 7.5 स्टोर हो जाएगा। नीचे आते हैं 5 - num2, 5 - 2.5, num1 - num2। 2.5 जब माइनस हुआ तो हाफ है, 2.5 बच जाएगा आपके पास, 2.5 बचा तो क्या रिजल्ट वन में 2.5 स्टोर हो सकता है? फिर वही बात, इम्प्लिसिटली कास्ट होगा और 2.5 को जब इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 एक 7 ओवरराइट हो जाएगा, 7 कौन सी वैल्यू से ओवरराइट होगा, 7 विल बी ओवरराइट विद 2 जी। और सेम इसी तरीके से आपके पास अदर एंड के ऊपर आपका जो डाटा है वो 7.5 खत्म हो जाएगा, 7.5 रिप्लेस हो। अब ये दो डिफरेंट मेमोरीज हैं, ठीक है, हमारे पास, हमने लास्ट पार्ट में भी ये जिक्र किया था और इस पार्ट में भी यही बताता जा रहा हूँ इस लेक्चर में कि जब भी आपकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व होंगी तो वो आपकी जो इवेल्युएट होंगी वो हायर डेटा टाइप में, ताकि डेटा लॉस होने के चांसेस ना हो, पर जब हम उसको इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा वो कास्ट हो जाता है, 7.5 को कन्वर्ट करता है इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर डज नॉट हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर द फ्लोटिंग वैल्यूज। आगे मूव करते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो गालबन इसका रिजल्ट बनेगा 12.5, तो जब 12.5 होगा, जब मैं उसको रिजल्ट को असाइन करने की कोशिश करूंगा, रिजल्ट वन को असाइन करने की कोशिश करूंगा, इंटीजर है, 12.5 को कास्ट करेगा, किस में कास्ट करेगा, 12.5 को इंटीजर में, तो इंटीजर में जब कास्ट करेगा तो आपका आंसर क्या बन गया, 12। जबकि यही रिजल्ट जब आपका स्टोर होने जाएगा रिजल्ट टू में तो ये आपके पास 12.5 ही रहेगा। सेम उसी केस में अगर हम डिवाइड करेंगे इसको लास्ट केस में,
जब हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो लास्ट बात आपके पास रिजल्ट 2.0 आएगा। 2.0 इंटीजर में एज अ 2 स्टोर होगा और रिजल्ट 2 में एज अ 2.0 स्टोर होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। फिर बताते चलूँ कि फ्लोट अगर आपकी डेटा टाइप है कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो अप्लाई हो जाएंगे, पर उनके ऊपर मॉडुलस का ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा। कम आने वाले लेक्चर में हम करेक्टेड डेटा टाइप को एक्सप्लोर करेंगे कि उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से परफॉर्म होती है।